हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि Realme 3 Pro लॉन्च होने वाला है 22 अप्रैल को। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा और क्या आपको इस फोन को परचेज करना चाहिए, इस फोन के अंदर क्या क्या कमी रह जाएगा। मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कराऊंगा कि किस क्या क्या कमी इस फोन के अंदर रहेगा और आपको ये फोन लेना या नहीं लेना। सबसे पहले इस फोन के अंदर आपको 6.3 इंच का IPS LED FHD प्लस डिस्प्ले विथ वाटर डोर नॉच एंड ग्लास बैक गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टाकोर प्रोसेस के साथ इसको देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। और इस फोन का जो स्टोरेज स्पेसिफिकेशन ये रहेगा 4GB 32GB 4GB 64GB 6GB 64GB। तो दोस्तों ये सही नहीं रहेगा, मतलब हैवी यूजर के लिए जो गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हैं उनके लिए 6GB 128GB 8GB 128GB ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन होने वाला है, जो कि हमारे जो रियलमी के CEO है वो दावा करते हैं। और साथ में आपको डुअल सिम नैनो प्लस माइक्रो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 9 पे के साथ ये कॉलर ओएस के साथ ये बेस्ट रहेगा ये फोन। और आपको कैमरा भी स्पेसिफिकेशन में आपको बता दूं, इसके अंदर 16 मेगापिक्सल जो रेयर कैमरा रहेगा LED फ्रंट फेसिंग, और साथ में सोनी IMX519 सेंसर रहेगा जैसे OnePlus 6T के अंदर। 5MP सेकेंडरी कैमरा रहेगा फ्रंट के बैक में, और आपको 2.2 अपर्चर के साथ 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा रहेगा जो कि ब्लर इफेक्ट के लिए और सेल्फी के लिए। हम पर बात करते हैं कि इसके प्राइस के ऊपर, तो अगर हम 4GB 32GB लेते हैं तो 10,990 रुपये पड़ जाएगा। 4GB 64GB अगर लेते हैं तो 11,990 रुपये लग जाएगा। 6GB 64GB लेते हैं तो 13,990 लग जाएगा। और साथ में अगर ऊपर लेवल का कुछ आता है उसका प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो अराउंड 15,000 या 16,000 के अंदर अंदर रहेगा, जो कि 6GB 128GB और 8GB 128GB का। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ें, कॉर्न्स क्या है। नो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ऑप्शन नहीं है, नो पॉपअप कैमरा, इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है। साथ में आपको एक साल के बाद जब इंडिया में 5G आएगा तो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो एक साल के बाद फ़ोन कोई वैल्यू नहीं है, 4G ही चलाते रहेंगे। बस ये था कुछ इसका फीचर्स, प्राइस और क्या दिक्कत इसमें कमियाँ तो मैंने आपको बताया। अगर 22 अप्रैल को ये फ़ोन रिलीज होगा, यानी कि लंच इवेंट है, उसके बाद ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगा। बस ये था आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बंदे मातरम।